अल्हमदुल्ल रबालमीन व अशहदालाद शरीकला वद् महमदन अब्दू व रसूलू सल अस्सलामू अलैकुम कराम अल्लामकम वहमतल वबरकत जन्नत और उसकी नेमतें, अहले जन्नत की नहायत ही इशरत वाली ज़िंदगी का तस्करा आपके सामने किया जा रहा है और ये बयान किया जा रहा है कि आज इस दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ़ उठा लेने के बाद जन्नत में कितनी खुशियां जन्नतियों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है किस तरह से उनका खाना है किस तरह से उनकी ग़ाएँ हैं किस तरह से उनके मशरूबात हैं किस तरीके से जन्नत में उनकी हालत होगी और किस तरह से अल्लाह ने उनके लिए बीवियाँ बनाई हैं हौर बनाई हैं किस तरह से वो उसमें लज्ज़त हासिल करेंगे नजरिन कराम इन सारी बातों को बयान करने के बाद अब हम आते हैं अल्लाह तबारक जन्नतियों को जो खादिम और नौकर चाहकर अता फ़रमाएँगे उनकी खिदमत करने के लिए उनकी जो है खदमत पर मामूर करेंगे उन खादम के बारे में उन खुदाम के बारे में अल्लाह तबारक ताल ने क्या बयान फरमाया है क्योंकि एक ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाला ये इस बात का तकाजा करता है कि उसके पास खादिम हो नौकर चाकर हों ख़िदमत करने वाले हों तो जन्नत में से इस बात की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपकी कोई खिदमत करे लेकिन कि आप जो चाहेंगे वो चीज़ हाजिर हो जाएगी जो चाहेंगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक जन्नतियों की इशरत के लिए और जन्नतियों की शान और अजमत को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताली कसिर तादाद में उन्हें खादम अतः फ़रमाएंगे चुनानचे इस तालुक से अल्लाह तबारक ताली ने खूबसूरत बच्चों को अहल जन्नत का खादम बनाया है जो हम वक्त हाजिर होंगे और पूरी तंदही और सुरात के साथ बजा लाएँगे और वह इंतहाई खूबसूरत और दिलरबा होंगे छोटे छोटे बच्चे ये जो है दस बारह साल की उम्र के बच्चे ये जन्नतियों के खादिम होंगे वो उनकी खिदमत करेंगे और नहायत खूबसूरत होंगे और अल्लाह तबारक व ताली उनको मुतन कर देगा और वो जन्नतियों की खिदमत नहायत ही तेज़ी के साथ जो चाहेंगे वो उनकी खिदमत करेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया वतूफ़ अल विलदान मखल इदा राई तहम हसिब तहम लम मनसूरा आयत नंबर उन्नीस अल्लाह फरमाते हैं कि उनके ऊपर हमेशा हमेश रहने वाले बच्चे चक्कर लगाएंगे जब आप उनको देखोगे तो ऐसा महसूस करोगे जैसे बिखरे हुए मोती हैं। यानी बिखरा हुआ मोती ऐसे बिखेर दिया जाए और फेंक दिया जाए मोती ऐसे डाल दिया जाए किस तरीके से इस कोने में उस कोने में यहाँ वहाँ चमक रही है मोती ऐसे जन्नतियों के खादिम छोटे छोटे बच्चे ये बिखरे हुए मोती की तरह से चमकते हुए चलते रहेंगे अल्लाह तबार को ताल ने फरमाया ये चक्कर लगाते रहेंगे किसी जन्नती को क्या ज़रूरत है और जो चाहेगा इन जो है खादिमों से खिदमत लेगा अल्लाह ताला, ताला ने मज़ीद फरमाया सुर आयत नंबर सत्रह अट्ठारह में यतूफ़ अल वा मख्दून पे मिन बारिकवका ये उनके ऊपर ये खूबसूरत बच्चे हमेशा हमेशा रहने वाले बच्चे ये चक्कर लगाएंगे, जाम लेकर के शराब का और इसी तरह चश्मे का मशरूब लेकर के और मख्त मशरूब लेकर के किसको ज़रूरत है किसको हाजत है और पेश फरमाएंगे। इस तरीके से ये बच्चे उनके खादिम होंगे और ये हमेशा घूमते रहेंगे हमेशा हर वक्त जो है वहाँ घूमते रहेंगे ऐसा नहीं कि ये थक जाएं और कुछ वक्त में ना आए, हमेशा वहाँ चक्कर लगाते रहेंगे और मौजूद रहेंगे अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया सूरे तूर में आयत नंबर 24 में वतूफ़ गिलमान का लुँ लुँ मकनून उनके ऊपर छोटे छोटे बच्चे ये चक्कर लगाएंगे घूमते रहेंगे उनकी खिदमत करते रहेंगे जैसे ये छिपाए हुए मोती हैं ऐसे चमक रहे हैं कि जैसे कोई मोती छिपा कर रखी गई थी और मोती को निकाला गया तो कैसे चमकने लगी तो ये जो है क्या नाम है बच्चे होंगे बाद रिवायतों से पता चलता है कि काफिरों मुशरिकों और मुलहदों की वो औलाद जो सन्न बलूगत से पहले फौत हो गई थी इन्हें गलमान जन्नत बना दिया जाएगा यानी जब ये बात आपके समझ में आई नाजरे ने के राम कि जन्नतियों की खिदमत के लिए नहायत ही ख़ूबसूरत छोटे छोटे बच्चे होंगे जो बड़ी तेज़ी के साथ उनकी खिदमत करेंगे तो सवाल ये होगा ये बच्चे कौन से हैं ये बच्चे क्या इस्पेशल तौर से पैदा किए जाएंगे जैसे हौरे की तरह से या ये बच्चे दुनियावी बच्चे होंगे जो बालिग नहीं हुई हुई छः साल सात साल आठ साल दो साल एक साल ग्यारह साल बारह साल बलूगत से पहले जो बच्चे इंतकाल कर जाते हैं उनका कोई जुर्म नहीं होता है उनका कोई गुनाह नहीं होता है तो बाद तो से पता चलता है कि इन नाबालिग बच्चों को खूबसूरत बच्चों की शक्ल में पैदा किया जाएगा और ये जन्नतियों के खादिम बन करके उनके पास घूमते रहेंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस में है कि मैंने नाबालिग बच्चों के बारे में अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि उन्हें अजाब से महफूज फरमा दे तो अल्लाह ताला ने मेरी दरख्वास्त कबूल फ़रमाई चुनांचे वो अहले जन्नत के खादिम होंगे इस हदीस को शेख अलबानी रही ने सही उल्जाम सगीर तीन हज़ार पाँच सौ बानबे और असहिया में एक हज़ार आठ सौ इक्यासी में जिक्र फरमाया है तो यहाँ अल्लाह के नबी आसलाम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ये बच्चों को तो अज़ाब से महफूज कर दे बच्चे हैं मुकल्लफ नहीं हैं अल्लाह के नबी आसलाम की मशहूर हदीस सभी को मालूम है कि इंसान तीन लोगों से कलम उठा लिया गया है इन उनका कोई गुनाह नहीं लिखा जाता है उनका कोई जुर्म नहीं लिखा जाता है वो अल्लाह के मुजरिम नहीं माने जाते हैं उसमें यानी सभी यह तिलम बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए तो बच्चा जब तक बालिग नहीं होता है उस पर कोई गुनाह नहीं लिखा जाता है तो बच्चा जब मर गया और अपने माँ बाप को देख करके उसने जो है उसी हालत में कुफ्र किया या जो भी किया तो क्या उसका कोई गुनाह नहीं है वो समझता नहीं था शुरू उसको नहीं था तो अल्लाह की नबी सलाम दुआ की कि अल्लाह इनको जहन्नम के अजाब से महफूज फ़मा दे अल्लाह दुआ कबूल फरमाए और इन बच्चों को जन्नत में दाखिल कर दिया और जन्नत में अहिल जन्नत का खादिम और जो है क्या नाम है उनकी खिदमत करने वाला बनाया तो इस तरीके से जन्नति की खिदमत करने के लिए बहुत ज़्यादा खादम अल्लाह तबार को ताला अता फ़रमाएगा और उन्हें किसी तरह से कोई गम और फिक्र नहीं होगी इसी तरीके से न ने के राम, जन्नत में जाने वाले जन्नतियों की ऐशो इशरत वाली जिंदगी की एक झलक कि अल्लाह तबारा उन्हें ज्योरत पहनाएंगे अल्लाह उन्हें जो कपड़ा पहनाएंगे लिबास पहनाएंगे वो कितना कीमती होगा इंसान दुनिया में जो है इंसान के लिए जेवरात हराम किया गया है मर्दों के लिए सोने के जेवर पहनना इसी तरीके से चांदी के जेवर पहनना सिवाय अंगूठी के मर्दों के लिए हराम है औरतें जो है जेवरात पहन सकती हैं सोने और चांदी के लेकिन मर्दों के लिए हराम है अल्लाह तबार को ताला जन्नत में जन्नती मर्दों को भी जेवर पहनाएगा उनके लिबास बहुत क़ीमती होंगे उनके लिबास बहुत जो है क्या नाम है खूबसूरत होंगे इसके बारे में भी अल्लाह तबारक ने और नबी सला ने में बयान फरमाया है ताकि एक आदमी के अंदर एक मुसलमान के अंदर एक इंसान के अंदर शौक़ पैदा हो आज हम सोना नहीं पहनेंगे तो कोई बात नहीं अल्लाह ताली कल जन्नत में हमको पहनाएगा आज हम शादी नहीं पहनेंगे कोई बात नहीं अल्लाह ताला कल हमको जन्नत में पहनाएगा तो अल्लाह ताला ने अगर आज हमको किसी चीज़ से मना कर दिया है हम उससे रुक जाएंगे अल्लाह ताला कल हमें उससे फ़ायदा उठाने का मौका फ़रमाएगा तो अहले जन्नत के जेवरात और लिबास बड़े कीमती होंगे बड़े खूबसूरत होंगे चुनानते इसकी कुछ झलक आप मनाद फरमाएँ अहल जन्नत बारीक रेशम और इस का सब्ज़ लिबास पहनेंगे और हाथों में सोने के कंगन होंगे रेशम रेशम ये मर्दों के लिए दुनिया में हराम है रेशम का कपड़ा मर्द नहीं पहन सकते औरतें पहन सकती हैं क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह ताला मर्दों को भी रेशम कपड़ा पहनाएंगे और नहायत खूबसूरत बारीक रेशम कपड़ा होता है रेशम दो तीन तरह के होते हैं। मोटे होते हैं। बारीक होते हैं अल्लाह ताला उन्हें बारीक रेशम कपड़ा पहनाएगा और हाथों में सोने के कंगन होंगे जन्नतियों के अल्लाह तबार को तौ ने फरमायाफी बसिया बन खुद ये सूर्य का आयत नंबर इक्कीस में अल्लाह तला फरमाते हैं उनको उसमें सोने का कंगन पहनाया जाएगा जन्नतियों को सोने का कंगन पहनाया जाएगा औरतें तो खैर पहनेंगी ही पहनेंगी मर्दों को भी अल्लाह तबारक वाली सोने का कंगन पहनाएंगे और अल्लाह तौल फरमाते हैं उनको सब्ज़ रंग का कपड़ा पहनाया जाएगा जो सुंदस और इस्तबरक से जो है बना हुआ होगा सुंदुस और इस्तरक ये दोनों आला किस्म के रेशम का कपड़ा है सोने और चांदी की तारें उसे बुनी हुई होती हैं नि सुंद और बरक दोनों रेशम कपड़े हैं जिसमें सोने और चांदी की तारें मिक्स हुआ करती हैं और नहायत खूबसूरत कपड़े होते हैं अल्लाह तबारक वाली जन्नत में जन्नतियों को लिबास पहनाएंगे हाथ में कंगन पहनाएंगे वो नहायत ही ख़ूबसूरत से लगेंगे इसी तरीके से अल्लाह तबारक अहले जन्नत को मोती के जेवरत भी पहनाएंगे जन्नतियों को जन्नत में मोतियों के जेवरत पहनाएंगे मोती देखने के लिए आदमी तरसता है वहाँ मर्द जो है जन्नत में मोतियों के जेवरत पहनेंगे अल्लाह तबारक ने फरमायाउ नफ़ी मिन असा मिनुआ हरीर सूर हज आयत नंबर तेईस में कि उन्हें उसमें सोने का कंगन पहनाया जाएगा और मोती का कंगन पहनाया जाएगा मोती के जेवरात पहनाए जाएंगे आदमी को और उसमें उनका जो लिबास होगा वो रेशम का होगा तो रेशम का कपड़ा मोती के जैवरत सोने के ज्यौरात ये अल्लाह तबारक जन्नत में जन्नतियों को पहनाएंगे इसी तरीके से अहले जन्नत चांदी के ज्यौरात भी इस्तेमाल करेंगे सोने के ज्यवरत के बारे में आपने सुना मोती के ज्यौरात के बारे में आपने सुना और चांदी के जेवरात भी जन्नती इस्तेमाल करेंगे अल्लाह ने फरमायालियाब सुन्दुसन खुद रूँ

रेशम का कपड़ा होगा रेशम का सब ज्यादा हरा कपड़ा होगा और उन्हें रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे और सोने चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे तो चांदी के कंगन भी पहनाए जाएंगे और सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और अल्लाह तबारक ताल उन्हें शराब तहूर से सैरा फरमाएगा तो इस तरीके से सोने के कंगन भी पहनेंगे मोती के कंगन भी पहनेंगे जीवरात पहनेंगे चांदी के कंगन पहनेंगे रेशम के कपड़े पहनेंगे नहायत ही खूबसूरत कपड़े और कंगन होंगे जन्नतियों के कंगन की कितने कीमती होंगे और कितने खूबसूरत होंगे कितने चमक वाले होंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं इतने चमक वाले होंगे कि अगर जन्नतियों के कंगन की चमक ऐसी है कि सूरज की रोशनी मात पड़ जाए अगर जन्नतियों के कंगन को जाहिर कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी बुझ जाए सूरज की रोशनी उसके सामने कुछ नहीं होगी सूरज को हम देख रहे हैं कि सूरज को अल्लाह ताला ने कितना चमकीला बनाया है इतना दूर होने के बावजूद हमसे इतना ऊपर होने के बावजूद पूरी दुनिया को सूरज रोशन किया रहता है दुनिया के कोने कोने में उसकी रोशनी हो जाती है जब सूरज निकल जाता है अंधेरा छट जाता है तारीखी ख़त्म हो जाती है इतना चमक अल्लाह ताला ने इतनी रोशनी अता फ़रमाई है लेकिन अल्लाह ताला जन्नतियों को जो जेवरत त फरमाएंगे और जो कंगन त फरमाएंगे वो कंगन में इतनी चमक होगी कि उस चमक के सामने सूरज की रोशनी भी मात पड़ जाएगी सूरज की रोशनी हल्की पड़ जाएगी सूरज की रोशनी बुझ जाएगी चुनाचे सात में नबी अकाल् रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सला ने फरमाया वलो मिन रजम जन्नत इतला फ़बद वूह लता मसद उशम सिक मिश्रम मिसरम अनुजुम ये हदीस तिरमिजी में मौजूद है बाबू माजा आफी सिफ़ते अहिल जन्ना में उसमें इमाम तिरिमिजी ने नकल फरमाया है कि अगर जन्नत में से एक आदमी दुनिया में झांक दे अगर जन्नत में से एक आदमी झांक दे और उसका कंगन ज़ाहिर हो जाए जो कंगन जो जेवरात अल्लाह ताली उसको पहनाएगा वो ज़ाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी बुझ जाएगी खत्म हो जाएगी जिस तरीके से जब सूरज निकलता है तो सितारों की रोशनी बुझ जाती है रात में हम देखते हैं सितारे निकलते हैं और सितारों की रोशनी होती है चांद की रोशनी होती है और जो उसका उजाला होता है लेकिन जब सुबह सूरज की रोशनी निकलती है और सूरज ुल्लू होता है सितारों की रोशनी ख़त्म हो जाती है सितारे डूब नहीं जाते सितारे तो अपनी जगह पर रहते ही हैं लेकिन सूरज की रोशनी निकलने के वजह सूरज की रोशनी से सितारों की रोशनी मात पड़ जाती है तो अगर ऐसे जन्नतियों के कंगन को ज़ाहिर कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी मात पड़ जाएगी जिस तरह से सूरज की रोशनी से चांद की रोशनी या सितारों की रोशनी मात पड़ जाती है तो उनको जेवरात जो पहनाए जाएंगे इतने चमक वाले होंगे और जेवरात में इस्तेमाल होने वाला याकूत दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा कीमती है जेवरात जो बनाए जाएंगे सोने और चांदी के और जो है क्या नाम है इसी तरीके से मोतियों के उसमें याकूत भी होगा याकूत जड़ा हुआ होगा याकूत उसमें मिला हुआ होगा और ये याकूत इतनी कीमती है इतना कीमती है कि जो दुनिया की सारी दौलत ज्यादा कीमती है चुनान छह मकदाम ने मादी करीब रज़ी अल्लाह से रवायत है कि अल्लाह के नबी आसलाम ने फ़रमाया शहीद के लिए अल्लाह तबार को ताला छः चीज़ेंता फ़रमाएंगे वो उसके फ़ज़ल है उसका मकाम है और इसमें है वूज़ अल्लासी ताजलवक़ार अलयाकूत तुमना खैरु मिन दुनिया व माफी हा इम तिलमिजी रही ने इसको रिवायत फरमाया है तो अल्लाह के नमी फरमाते हैं कि शहीद के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा वक़ार क्या ऐसा ताज रखा जाएगा पहनाया जाएगा उसमें जो याकूत जुड़ा होगा ये दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर होगा दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से कीमती होगा हम अंदाज़ा लगाए कि दुनिया में जो नेमतें हैं दुनिया की नेमतों को जो जन्नत की नेमतों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है नाजरीन कराम हम दुनिया की मिसाल हमने आपको तमहीद में बताया और इससे पहले जो है आप जानते हैं इस हदीस अल्लाह के नबी सलाम की कि मुतद हदीस में मौजूद है कि दुनिया की मिसाल अल्लाह तबारक तला के यहाँ मच्छर के पंख के बराबर नहीं है मच्छर के पंख के बराबर पूरी दुनिया और दुनिया में मौजूद सारी दौलत और साला माल सोना चांदी रुपया पैसा बिल्डिंगें महल्लात कोठियाँ बंगले बीवियाँ ये सारी चीज़ें जो दुनिया में पाई जाती हैं इन पूरी दुनिया की अल्लाह के यहाँ मच्छर के पंख के बराबर नहीं है अल्लाह के नबीमाम ने दुनिया की मिसाल दे करके समझाया है कि अगर दुनिया की मिसाल ऐसे ही है जैसे आप किसी समंदर में अपनी उंगली को डालो और उंगली को निकालो तो उस उंगली में कितना पानी निकलता है इतना भी जो है दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के यहाँ नहीं है ये जवाल होने वाली दुनिया मिटने वाली दुनिया ये आजी दुनिया में आदमी पढ़ करके और उसकी आरजी चीज़ों को देख करके और जिसके कोई नस्बत जन्नत से नहीं है आदमी अपनी जन्नत को बर्बाद कर लेता है जन्नत की नेमतों को सुनता है और जन्नती किस ऐशो इशरत की ज़िंदगी में होंगे कितने खुश होंगे कितनी पुराश ज़िंदगी उनकी होगी वो हमारे सामने आ रही है किस तरीके से ज़ोरत जो है क्या नाम है वो पहनेंगे अहले जन्नत का लिबास कभी पुराना ना होगा अहिल जन्नत जो लिबास पहनेंगे वो कभी भी पुराना नहीं होगा हमेशा वो कपड़ा नया होगा ऐसा नहीं कि पुराना हो गया फट गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत करता हदीस हदीस नंबर दो हज़ार आठ सौ छत्तीस में कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जन्नत में दाखिल होगा वो हमेशा नेमतों में रहेगा कभी नेमतों से महरूम नहीं होगा कभी मायूस नहीं होगा कभी गमगीन नहीं होगा कभी नेमतों से महरूम ने हमेशा नेमत में हमेशा नाजो नेमत में ऐश वशरत में मज़े में लज्जत में खुशी में फ़रासरूर में हमेशा उसे में रहेगा कभी महरूम नहीं होगा वाला तबलाती याबू हो और उसके कपड़े बोसीदा नहीं होंगे उसके कपड़े पुराने नहीं होंगे वला यफना शबाब हो और उसकी जवानी भी ख़त्म नहीं होगी हमेशा जवान रहेगा तैतीस और तीस साल के बीच इसी उम्र का जो है हमेशा वो रहेगा और कभी वो ख़त्म नहीं होगा और पुराने नहीं होंगे तो उदाजरीन कराम ये जन्नत वालों की जेवरात और उनके लिबास के बारे में बात हुई कि वो किस तरीके से जन्नत में लिबास और जेवरत पहनेंगे आइए जन्नत के बारे में एक बार और हम जानते चलें कि अल्लाह तबारक जन्नतियों को जो बर्तन अता फ़रमाएंगे उसकी क्या सिफत होगी और उसकी क्या तफसील है कि जिन बर्तनों में खाना खाएँगे जन्नती जिन बर्तनों में पानी पियेंगे जिन बर्तनों में जाम पियेंगे जिन बर्तनों में शराब पियेंगे ये बर्तन कैसे होंगे बर्तन इंसान की ज़रूरत है सजावट और मैारे ज़िंदगी का पैमाना हुआ करता है इंसान जितना मैारी होता है उतना उसका बर्तन अच्छा होता है लोग ख़ूबसूरत बर्तन पसंद करते हैं जब अहले तकवा का मकाम जन्नत है तो फिर उनके एजाज और जन्नत के मुताबिक ही बर्तन भी होंगे जाहिर सी बात है जन्नत के बर्तन भी जन्नतियों के मैार के मुताबिक होंगे जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं हो सकती है अहले जन्नत के बर्तन सोने और चांदी के होंगे इससे पहले बात आई कि जन्नत में सोने और चाँदी के बर्तन होंगे सोने और चांदी के बर्तन दुनिया में मना है जन्नत में जन्नति को उससे में खाना और पानी दिया जाएगा अल्लाह तरमाया सुर जखर फ़ आयत नमर इकहत्तर में यूताफ़ बे सहाफ़ि मिन रहाबिन वाकवा उनके आगे सोने के थाल और सागर गर्दिश कराए जाएंगे सोने के थाल और प्याले और गिलास ये जो है सब उनके पास घुमाए जाएंगे लाए जाएंगे उसमें उनको खिलाया जाएगा और पिलाया जाएगा इसी तरीके से अल्लाह तरमाया वहीफ़ अल बि आनीत बिनफिन वाकवा बिन कानत कौारीर कवारीर फिद्दतिन कवाफ़तिनद तकदीरा अल्लाह ताला तरतर आयत नंबर पंद्रह सोलह में ऐसा फर्माते हैं कि उनके ऊपर चांदी के बर्तन को घुमाया जाएगा और चांदी के प्यालों घुमाया जाएगा और ऐसे प्यालों को भी घुमाया जाएगा जो शीशे के होंगे ऐसे शीशे जिनको एक बेहतरीन अंदाजे के मुताबिक एक नहायत ही अदब और नहायत ही मनसब अंदाज से उनको भरा गया होगा यानी एक तो प्याले चांदी के होंगे शीशे के होंगे सोने के होंगे उसमें जो खाना भी होगा वो नहायत ही तरतीब से पिरो होगा और उसमें लगाया गया होगा और उसमें भरा गया होगा ऐसा नहीं कि जो है क्या नाम है उससे भूढ़ापन का मुजाहरा होता हो नहायत खूबसूरत अंदाज में उसको पेश किया जाएगा उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे और शीशे के भी चांदी के होंगे और उनको ठीक अंदाजे के मुताबिक भरा होगा तो ये आप देख रहे हैं कि उनके बर्तन कितने खूबसूरत होंगे सोने के होंगे चांदी के होंगे शीशे के होंगे और शीशे के भी बर्तन ऐसे कि जैसे उसमें सोना और चांदी की मिलावट होगी इसकी तफसीर में मुफसिर ने लिखा है कि होता है कि कि इससे मालूम होता ये बर्तन चांदी की धास से बने होंगे लेकिन चमक दमक और शफाफियत में शीशे जैसे नजर आएंगे यानी सोने तो बर्तन के होंगे सोने तो चांदी के होंगे लेकिन इतना साफ बने होंगे और इतना खूबसूरत होंगे इतनी उसमें चमक होगी कि जिससे लगेगा कि शीशा है तो सोने को शीशे की तरह से बना दिया जाएगा और उनके बर्तन इस तरीके से जो है नज़र आएंगे और इस तरीके से उसमें इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नतियों के बर्तन की जो मिसाल दी है सोने और चांदी और जो शीशों की तरह से नज़र आएंगे ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए दी है कि एक आदमी अल्लाह तबारक की पाबंदी करे एक आदमी अल्लाह तबारक की पाबंदी करके अल्लाह ताला जिस बात से मना कर दे उससे रुक जाए ये मैं इसलिए ख़ास तौर से कह रहा हूं कि हमारे कुछ भाई हमारे मुसलमान भाई यह जानते हुए भी कि अल्लाह ताला ने सोने के बर्तनों में खाने से मना किया है अल्लाह ताला ने चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना किया है मगर उस खास तौर से चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं या इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज दुरुस्त नहीं है अगर एक मुसलमान ऐसा करेगा तो अल्लाह तबारक के यहाँ जन्नत में इन चीजों से महरूम हो जाएगा इसी तरीके से अल्लाह के नबी नबीत ने इरशाद फरमाया कि दो जन्नतें सोने की होंगी उनके बर्तन भी सोने के होंगे और जो कुछ उनमें होगा सब सोने का होगा और दो जन्नतें चांदी की होंगी दो जन्नतें सोने की होंगी और दो जन्नतें चांदी की होंगी सोने की जन्नत में सोने के बर्तन और सारी चीज़ें सोने की होंगी चांदी के बर्तन और सारी चीज़ें चांदी के होंगी उनके बर्तन और जो सामान उन दोनों जन्नतों में होगा सब चांदी के होगा तो ये सोने तो और चांदी जो शीशे की तरह से नज़र आने वाले होंगे ऐसे बर्तन उनके होंगे अहले जन्नत की कंघियाँ जिससे इंसान बाल में कंघी करता है बाल को संवारता है जन्नती भी अपने बालों को हैं, इसलिए कि बाल ये इंसान की खूबसूरती की अलामत हुआ करता है ये अलग मसला है कि आज बाल के बारे में हमारे बहुत सारे भाई कोताही के शिकार हो गए जो खूबसूरती की अलात है उसको अजीब तरह से कटवा करके अपनी शक्ल को बिगाड़ लेते हैं तो ये बाल ये खूबसूरती की अलामत है इसको संवारना अल्लाह के नबी आसल इसको संवारो इसको तेल वगैरह लगा करके रखो और अच्छी तरीके से कंघी करके रखो तो जो कंघियाँ होंगी जन्नतियों के अपने बाल संवार के लिए ये कंघियाँ भी सोने की होंगे चुनांचे अल्लाह के नबी आसलाम ने सही मुस्लिम की हदीस में हदीस नंबर दो हज़ार आठ सौ चौंतीस में शातमाया वाम शाह अमशातुहुम अज़हब उनकी कंघियाँ तक सोने की होंगी बर्तन तो सोने के होंगे ही प्याले सोने के होंगे ही गिलास सोने के होंगे ही उनके जो है सिहाफ ये सारी चीज़ें थाल वगैरह सोने के चांदी के होंगे ही कंगियाँ जिससे वो बाल को संवारेंगे वो कंगियाँ भी अल्लाह के नबी असलाम फरमाते हैं कि ये कंगियाँ भी सोने की होंगी ये जन्नत की नेमतें हैं जिस नेमत का कोई सातानी नहीं और जिस नेमत की कोई मिसाल नहीं और जिस नेमत की कोई दुनिया की नेमत से कोई नस्बत नहीं मगर इस नेमत को आदमी दुनिया की नेमत के चक्कर में पढ़ करके भूल जाता है और एक रिवायत से पता चलता है कि जिन तश्तरियों या प्लेटों में अहले जन्नत ताज़ा खजूर खाएंगे वो भी सोने की होंगी कुछ ऐसे बर्तन होते हैं तश्तरी होती है प्लेट होते हैं जिसमें आदमी खजूर वगैरह रखे रहता है और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह आदमी रखता है अल्लाह के नबी आसात वसलाम फ़रमाते हैं मुसा अहमद की रिवायत में जिल नंबर तीन सफ़र नंबर एक सौ पैंतीस में कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये तस्तरियाँ और ये जो प्लेट जिसमें अहले जन्नत खजूर वगैरह खाएँगे ये तक भी सोने से होंगे यानी जन्नत के सारे बर्तन जो अल्लाह तबारक जन्नतियों को अतः फरमाएंगे वो सोने के होंगे चांदी के होंगे और ऐसे सोने और से बनाए हुए होंगे कि जैसे वो शीशे की तरह से चमक रहे होंगे ने, ने बयान फरमाया है नबी ने हदीसों में बयान फरमाया है जिसका मकसद यह है कि आदमी इनके ताल्लुक से होश के ना खुल ले और आदमी आखरत को ना भुलाए देखे अल्लाह तरीके से उसके लिए जन्नत में तैयार कर रखा है और कितनी अजीम अजीम चीजें कितनी खूबसूरत चीज़ें आदमी तैयार कर रखा है आदमी कितना दिन इस दुनिया में जिंदा रहेगा किसी के एक दिन का भरोसा नहीं होता है एक लम्हा का भरोसा नहीं होता है एक घंटे का भरोसा नहीं होता है आदमी इस दुनिया की जिंदगी में फंस करके आखिरत की ज़िंदगी को भुला देता है ये बहुत अफसोस की बात है तो नजर ने कराम हमने इस मुलाकात में आपके सामने ये बातें रखी कि अहिल जन्नत को अल्लाह ताली ख़ादम किस तरह से अता फरमाएँगे कितने खूबसूरत खादि और कितनी ज़्यादा तादाद में उनकी खिदमत करने वाले बच्चे खूबसूरत मोतियों की तरह से चमकने वाले उनकी खिदमत करेंगे छोटे से छोटे जन्नती को अस्सी हज़ार खादि मिलेंगे इसी तरीके से उनके जेवरात उनके लिबास और जन्नत वालों के बर्तन किस तरीके से होंगे सोने के चांदी के और उनके जेवरात कैसे होंगे उनका लिबास कैसे होगा ये सारी तफसीत जो है आपके सामने रखी और उनके जेवरात की चमक कैसी होगी ऐसी चमक की जिसके सामने सूरज की रोशनी मात पड़ जाए अल्लाह तबारक तआला ऐसे जेवरात को जन्नतियों को पहनाएंगे और ऐसे लिबास अल्लाह जन्नतों को पहनाएंगे इन देवरात और इन लिबास की कोई निस्बत दुनिया की रिबास और जवरात से नहीं है अल्लाह तबरक وتعالى से दुआ है कि अल्लाह तबरक وتعالى हमें और आपको इन नेमतों से मुस्तफीद होने और मुस्तहिक बनने की तौफीक अता फरमाए हादामा इनदी वल्लाहु तआला आलम अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व